लास्ट क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज थी वो सब देख ली। अब हम मिक्स प्रॉब्लम करेंगे। तो हमारे पास है एक्सरसाइज मिसलेनियस। इसमें मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, ये एक कम्बाइंड एक टर्म गिवन है, प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? जीरो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, प्लस यहाँ पर इन दोनों टर्म के अंदर मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ये cos x प्लस cos y। अब cos x प्लस cos y, इसकी आइडेंटिटी क्या पढ़ी है आपने? cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2, और आगे क्या चल रहा होता है? 2। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। यही आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे, इसमें से ये मेरा x रहेगा और ये y, ठीक है। सो cos x प्लस cos y एज 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करिए, 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13, ये ऐसे ही ठीक है, प्लस 2 cos, इसको सॉल्व करिए कितना बनेगा ये? 3 प्लस 5 8 पाई, 8 पाई को 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा? 4 पाई बाय 13। अच्छा, इसको सॉल्व करिए, cos 3 पाई में से 5 पाई माइनस होगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2 पाई, और माइनस के 2 पाई को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया होगा? माइनस का पाई, और अपॉन में क्या चल रहा है? 13। ये इस तरह से, ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। इसके बाद 2 cos पाई बाय 13 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, cos 9 पाई 13 भी ऐसे ही ठीक है, प्लस 2 cos 4 पाई बाय 13, एंड cos माइनस का x क्या होता है? प्लस का cos x, है ना। तो ये cos माइनस का x की आइडेंटिटी लगा दी, ये क्या होता है? प्लस का ये हो जाता है। ओके, आगे इन दोनों में से अब कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और cos पाई बाय 13 कॉमन आ रहा है। जब 2 और cos पाई बाय 13 चला जाएगा तो क्या बचेगा? cos 9 पाई बाय 13 प्लस 2 और cos पाई बाय 13 चला गया, क्या बच जाएगा? cos 4 पाई बाय 13, ये आ जाएगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद क्या करोगे? 2 cos पाई बाय 13 को ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लगाओ, cos x प्लस cos y, यही आइडेंटिटी फिर से काम करेगी। cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस जगह पर फिर से आइडेंटिटी लग गई। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए क्या बचेगा, 2 cos पाई बाय 13 तो बाहर चल ही रहा था, ठीक है ना। अच्छा, अंदर और क्या क्या चल रहा है? अब 2 cos 9 और 4 कितना? 13, और 13 पाई में से 13 पाई को 13 पाई से डिवाइड, 13 से डिवाइड करा दिया, कितना बचा होगा? पाई अपॉन 2। अच्छा, यहाँ 9 में से माइनस करिए 4, तो 4 पाई माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? cos 5 पाई, 9 में से 4 माइनस हो गया, 5 पाई आ गया, और 13 इंटू 2 ये नीचे 26 आ रहा होगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, 2 cos पाई बाय 13 ऐसे ही ठीक है,
टू इंटू कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 कितना होता है जीरो, और इंटू में क्या चल रहा है कॉस 5π/26। ठीक है, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब यहाँ पर जीरो आ गया बीच में मल्टीप्लाई में, तो ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या बन जाएगी जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जीरो इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले आपको ये टर्म दिया हुआ है फिर ये दिया हुआ है, तो इसमें कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाते जाइए। जब आप कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे कि पीछे से 2 cos π/13 और 2 cos π/13 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये टर्म बनेगा। इसमें कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर एक जगह कॉस 90 बन जाएगा कॉस पाई बाई टू, और कॉस 90 क्या होता है जीरो होता है। तो क्योंकि ये सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा था, तो इसलिए क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ क्या आ जाएगा जीरो। ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इस तरह से हमें आइडेंटिटी गिवन है। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देनी होगी। लगा दीजिए साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होता है, 2 sin x + y/2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी लग गई और इंटू में क्या चल रहा है साइन एक्स, इसे चलने दो ऐसे ही। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी लगाइए। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, माइनस का 2 sin x + y/2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और जो कॉस एक्स पीछे चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दीजिए। ये बात भी समझ आ गई होगी, बिल्कुल आसान है। पहले यहाँ साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी, साइन एक्स ऐसे ही लिखा रहने दिया, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी, फिर कॉस एक्स ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, क्या लेकर चले हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर इक्वल लगा लेते हैं, इक्वल्स टू 2 sin 3x और x मिलकर कितना 4x, 4x को 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 2x, 3x में से x गया कितना 2x, 2x को 2 से डिवाइड कराया होगा तो कितना आएगा x, और इसके साथ सबके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था sin x। तो इस चीज़ को सॉल्व करके ये लिख लिया और ये sin x यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस इसको सॉल्व करिए, ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, 2 sin 3x और 4x, 3x और x मिलकर 4x upon 2, 2x, और 3x में से x गया 2x, और 2x को 2 से डिवाइड कराएंगे तो x आ जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है cos x। ठीक है, अब आप इन दोनों लाइनों को ध्यान से देखिए, 2 है यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, sin 2x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, साइन एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, कॉस एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म कैसे हैं, एक जैसे हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो पहले ऐसा कर सकते हो, जैसे ये साइन टू एक्स लिखा है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब 2 sin x cos x क्या होता है, साइन टू एक्स माइनस ये वाला साइन टू एक्स ऐसे ही लिखा रहने दो। 2 sin x cos x क्या होता है, साइन टू एक्स। तो देखो यहाँ पर साइन 2x का क्या बन गया, ये स्क्वायर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2x, ये भी क्या बन गया साइन स्क्वायर 2x, और साइन स्क्वायर 2x से साइन स्क्वायर 2x कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया जीरो। हालांकि ये यहीं पर हमारा एक जैसा टर्म बन गया था, तो हम यहाँ से ये काट कर यहीं पर जीरो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो साइन 2x ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 sin x cos x को साइन 2x, सिमिलरली साइन 2x ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 sin x cos x को साइन 2x, तो ये स्क्वायर बन जाएंगे, फिर इसके बाद कैंसिल कर दो, तो वो आपकी मर्जी, आप कहाँ पर कैंसिल करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस साइन वाई यहाँ लगाओ, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई यहाँ लगाओ, जैसे ही सॉल्व करोगे इससे ये कट जाएगा और आंसर जीरो आ जाएगा जो हमें लेकर आना है ना। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 3, ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है। इसमें कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी अंदर लगा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होता है 2 cos x + y / 2
इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, तो आंसर है टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, इस सब का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई लगा दिया या साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है ना। आइडेंटिटी याद कर लो, उसके बाद बिल्कुल देखने से पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो आइडेंटिटी बस मेन है, वो याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है तो इन सबके स्क्वायर करा दो, टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। इसी तरह से यहाँ पर भी स्क्वायर खोल दो, टू का स्क्वायर कितना होगा फोर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, इस तरह से आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, फोर कॉमन आ रहा है और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये कॉमन आ रहा है ना। तो जब ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस, ये दोनों कॉमन में चले गए तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू ऐसे ही, ठीक है। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है वन के, है ना, एंगल दोनों सेम है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वन होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाओ, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाओ, सबका स्क्वायर करके लिख दो, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है ना, टू के स्क्वायर फोर हो जाएंगे। फिर जैसे यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन लिख दोगे, आंसर सामने आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। सिमिलरली इसी तरह से आपका देखो क्वेश्चन नंबर फोर गिवन हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर में कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाना है, लगा दीजिए, क्या बनेगा टू माइनस का टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, इस सब का क्या चल रहा है होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है टू कॉस एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, इस सब का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। तो यहाँ कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सॉल्व करिए, माइनस टू का स्क्वायर कराएंगे तो प्लस का फोर आएगा, और इन दोनों टर्म पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। प्लस टू का स्क्वायर कराइए फोर आएगा, और इन दोनों टर्म पर भी स्क्वायर लगाइए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है ना। क्या कर दिया, माइनस टू का स्क्वायर प्लस का फोर, और यहाँ पर भी स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर, ऐसे टू का स्क्वायर फोर यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। अब देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में से, फोर कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ टू फोर कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस, फोर चला गया ये भी चला गया कॉमन में, ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है ना। तो आप देखो फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये तो ऐसे ही ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ करता है वन, तो यहाँ पर लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अगर आपको आइडेंटिटीज याद है,
कॉस एक्स माइनस कॉस वाई लगाइए, साइन एक्स माइनस साइन वाई लगाइए, स्क्वायर ओपन करिए, कॉमन लीजिए, यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, उसको वन लिखिए, आंसर सामने आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी आपको यही सब कुछ करना है, साइन एक्स प्लस साइन वाई की कुछ आइडेंटिटी लगानी है। तो इनको कुछ ऐसे अरेंज करके देख लेते हैं जिस जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। थ्री और वन फोर आ जाएगा, मुझे चाहिए क्या साइन फोर, हाँ चाहिए, फाइव और सेवन, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक्स और इंस में, साइन एक्स और साइन थ्री एक्स में, और साइन फाइव एक्स और साइन सेवन एक्स, इनमें हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो लगाइए साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये आइडेंटिटी लग गई इन दोनों के अंदर। प्लस अब इन दोनों में लगाइए तो क्या आएगा, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस साइन वाई लगा दिया, और यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस साइन वाई लगा दिया। इसको सॉल्व कर दीजिए, टू साइन एक्स प्लस थ्री एक्स, फोर एक्स, फोर एक्स अपॉन टू कितना, टू एक्स, कॉस एक्स में से थ्री एक्स माइनस करिए, माइनस का टू एक्स, और उसको टू से डिवाइड कराइए, माइनस का एक्स, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करिए, टू साइन फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व को टू से डिवाइड कराएंगे, सिक्स एक्स, कॉस फाइव माइनस सेवन माइनस का टू, माइनस टू को टू से डिवाइड कराएंगे, यहाँ पर माइनस का एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद टू साइन टू एक्स, कॉस माइनस का एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस टू साइन सिक्स एक्स, कॉस माइनस का एक्स को हम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स, ठीक है। तो दोनों जगह कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख दिया मैंने, ये भी बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, दोनों में से टू कॉमन आ रहा है और कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये लिख लीजिए यहाँ पर। अच्छा क्या बच जाएगा, साइन टू एक्स प्लस क्या आ जाएगा, साइन सिक्स एक्स, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दो, टू कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी फिर से लगाइए, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी फिर से लग गई। अब इसको सॉल्व करिए, टू कॉस एक्स ऐसे ही ठीक है, टू ऐसे ही ठीक है, टू प्लस सिक्स एट, एट अपॉन टू फोर, तो ये कितना आ जाएगा, साइन फोर एक्स, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा इसको सॉल्व करिए, कॉस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स, माइनस का फोर एक्स, माइनस फोर एक्स को टू से डिवाइड कराएंगे तो माइनस का टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करिए, टू इंटू टू फोर, कॉस एक्स ऐसे ही ठीक है, कॉस एक्स मुझे चाहिए, अच्छा कॉस माइनस का टू एक्स प्लस का ही बन जाएगा, तो प्लस का कॉस टू एक्स, और क्या बच गया, साइन फोर एक्स, यही आपका आंसर है, वो आपके सामने आ गया। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यहाँ, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यहाँ पर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा, टू कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, साइन टू एक्स और साइन सिक्स एक्स बच जाएगा। यहाँ फिर से आइडेंटिटी लगा दीजिए साइन एक्स प्लस साइन वाई की, फिर आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप से वही सारे नंबर आ रहे होंगे जो आपको चाहिए। तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये सब कुछ, है ना। आइडेंटिटी याद कर लो और इसको पुट करते जाओ। इसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन को देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ आइडेंटिटी लगाते जाओ, सॉल्व करोगे अपने आप से टेन सिक्स एक्स बनकर सामने आ जाएगा। कैसे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू
इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है, एक जगह लग गया फॉर्मूला, प्लस अब यहाँ पर भी लगाइए साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है, ऊपर दोनों जगह फॉर्मूले लगा दिए मैंने, अब नीचे लगाने हैं मुझे, तो देखिए कैसे लगेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये आ जाएगा, ठीक है, एक जगह लग गया फॉर्मूला, प्लस अब यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाइए, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है ना, इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, यहाँ भी लग गया, तो बिल्कुल आसान है ये, यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन वाई के फॉर्मूले लगे, यहाँ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के फॉर्मूले लगे, अब बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा टू, ये कितना बनेगा साइन सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व अपॉन टू सिक्स एक्स, कॉस सेवन माइनस फाइव टू अपॉन टू एक्स, प्लस टू साइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व अपॉन टू सिक्स एक्स, कॉस नाइन माइनस थ्री सिक्स अपॉन टू थ्री एक्स, ये आ जाएगा अपॉन, यहाँ सॉल्व कीजिए, टू कॉस सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व अपॉन टू सिक्स एक्स इंटू कॉस सेवन माइनस फाइव टू अपॉन टू वन एक्स, प्लस टू कॉस नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व अपॉन टू सिक्स एक्स, कॉस नाइन माइनस थ्री सिक्स अपॉन टू कितना थ्री एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है, इन सब क्वांटिटी को सॉल्व कर करके लिख लिया। अब आप देखिए ध्यान से, इनमें से ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से कॉमन आ रहा है टू और साइन सिक्स एक्स, दोनों में से कॉमन है तो कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा अंदर, टू गया साइन सिक्स एक्स गया, क्या बच गया कॉस एक्स, प्लस यहाँ से भी ये गया तो क्या बच जाएगा कॉस थ्री एक्स, ये लिख लो, अच्छा अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है और कॉस सिक्स एक्स कॉमन आ रहा है, तो टू और कॉस सिक्स एक्स जब कॉमन में चला जाएगा तो क्या बच जाएगा कॉस एक्स, प्लस ये भी चला गया तो क्या बच जाएगा कॉस थ्री एक्स, ठीक है ना। अब इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखो, कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स दोनों सेम है, तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो साइन सिक्स एक्स अपॉन कॉस सिक्स एक्स कितना टेन सिक्स एक्स, ये तो और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, है ना, सब जगह आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी लगा के जब सॉल्व कर लेते हैं तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है, कॉमन हो जाने के बाद या तो ये सारी चीज़ें वन बन जाती हैं, या ये जैसे ब्रैकेट ये कैंसिल हो जाकर वन बन जाते हैं, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन बन जाता है, तो कुछ ना कुछ इसी तरह का हो रहा है कि कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद अपने आप से कुछ ऐसा टर्म बन रहा है कि जो हमें चीज़ लेकर आनी है वो अपने आप से बन जाती है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने आएगा, साइन थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, और इसको ये सब कुछ प्रूव करके देना है, तो हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एक काम करता हूँ मैं, साइन थ्री एक्स के साथ लिख लेता हूँ साइन एक्स को, और प्लस में क्या चलने देता हूँ साइन टू एक्स, इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब मैं थ्री एक्स में से एक्स माइनस करूँगा तो टू एक्स आ रहा होगा और वो मेरा कॉमन भी आ जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और प्लस में क्या चल रहा है साइन टू एक्स, क्या किया देखिए, साइन थ्री एक्स लिखा, साइन एक्स लिखा, साइन टू एक्स यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी साइन एक्स माइनस साइन वाई की, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और ये ऐसे ही चल रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो, टू कॉस थ्री और वन फोर अपॉन टू टू इंटू साइन थ्री एक्स में से एक्स माइनस होगा तो टू एक्स, और टू एक्स अपॉन टू करोगे तो कितना आएगा एक्स, प्लस में क्या चल रहा है साइन टू एक्स,
ठीक है, ये चलने दो इसको ऐसे ही। अब मुझे क्वेश्चन को मैं क्या क्या चाहिए। ओके ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो कॉस 2x ऐसे ही ठीक है, साइन एक्स भी ऐसे ही ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 sin x cos x, ये हुआ करता है। साइन 2x की जगह मैंने क्या लिख लिया, 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और साइन एक्स कॉमन आ रहा है। जब 2 और साइन एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, कॉस 2x प्लस 2 और साइन एक्स कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा, कॉस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे 2 sin x ऐसे ही ठीक है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाइए, 2 cos x + y/2 × cos x − y/2, ये भी बिल्कुल आसान है। इसके बाद आगे सॉल्व कर दीजिए, 2 sin x ऐसे ही ठीक है, ये 2 और ये 2 मिलकर आप चाहो तो यहाँ पर पहले ही लिख लो 4, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स, 2x और x मिलकर कितना, 3x/2, और 2x में से x गया तो कितना, x/2, यही आपको लेकर आना था। देख लीजिए, 4 चाहिए, साइन एक्स चाहिए, कॉस एक्स बाई टू एंड कॉस 3x/2, तो बिल्कुल आसान है ये। पहले क्या करो, साइन 2x को पीछे रख लो और साइन एक्स और 3x को लेकर चलो। यहाँ फॉर्मूला लगाओगे और साइन 2x को लिख दोगे 2 sin x cos x, तो इसमें से कुछ कॉमन आने लगेगा, सच दैट कि यहाँ पर फिर से एक बार आइडेंटिटी बन जाएगी, फॉर्म बन जाएगी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की। उसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो वही नंबर मिल जाएगा जो आपको चाहिए, है ना, तो ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें आपको निकालना है sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 के फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं, इसके बाद आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज, आपने cos 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2x का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो ये होगा करता है, 2 cos² x - 1, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, है ना। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में आप देखिए, यहाँ पर एंगल कितना है 2x, तो यहाँ पर एंगल कितना है 1x, है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर उसका आधा है। अच्छा, इसी तरह से अगर सपोज करो यहाँ पर cos 4x लिखा होता तो यहाँ पर कितना आ रहा होता, तो आंसर है यहाँ पर 2x आ रहा होता है, या नहीं, जितना यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2 लिखा होगा, या हम कहें जैसे यहाँ पर जितना लिखा होगा उसका यहाँ पर डबल होता है, तो अगर यहाँ 2x लिखा है तो यहाँ पर 4x होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि cos 10x के केस में यहाँ पर क्या आता होगा, तो आप कहोगे कि जो यहाँ पर है उसका यहाँ पर हाफ एंगल आता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आता होगा, 5x, है ना। तो इसी तरह से सोचो कि अगर यहाँ पर cos 1x रहा हो, 1x या सिर्फ cos x कह लो आप, तो क्या होता होगा, cos² तो यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ आता होगा, तो यानी कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1/2 होता होगा, माइनस का 1 ऐसे चल रहा है। तो अगर इस चीज़ को पढ़ें तो आप कैसे पढ़ोगे, cos 1x की जगह सिंपल क्या लिख लो, cos x, और इस चीज़ को क्या लिख लो, 2 cos² x/2 − 1, है ना, ये चीज़ x/2 ही तो है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें हमने क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले चीज़ तो ये कि हमने पढ़ा है cos 2x का फॉर्मूला ये हुआ करता है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x आता है जबकि यहाँ पर सिर्फ x आता है, यानी कि जितना एंगल यहाँ पर है उसका यहाँ पर हाफ होता है। तो इसी तरह से हमने सोचा अगर 4x होगा तो इसका मतलब 4x का हाफ एंगल यहाँ पर आएगा 2x, ऐसे अगर 10x होगा तो उसका हाफ एंगल आएगा 5x, तो ऐसे हमने सोचा कि अगर 1x लिखा होता तो उसका हाफ एंगल आता हाफ एक्स, है ना। तो 1x लिख, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा cos x, और यहाँ पर 1x को सिंपल क्या लिख सकते हो, x, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2। तो हमने देखा कि cos x का फॉर्मूला क्या बना, 2 cos² x/2 − 1, लेकिन हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, cos x बाई टू का, तो उसको कैसे बनाओगे, cos x ऐसे ही लिखा रहने दो, ये माइनस का 1 है इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू में 2 cos² x/2, ठीक है ना, और 2 को नीचे लेकर आ जाओ
तो कॉस एक्स प्लस वन अपॉन में टू, ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स और अपॉन में टू। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया किसका, कॉस एक्स बाई टू। बिल्कुल आसान है, आया इस तरह से। इसी तरह से आप एक और कॉस टू एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है ना। तो इसी में आप क्या करो, इस एंगल का हाफ कर दो, तो अगर 2x को 2 से डिवाइड करा दें है ना, तो क्या बच जाएगा x, और इधर अगर 2x को x से 2 से डिवाइड कराया है तो इधर भी एंगल को 2 से डिवाइड करा दीजिए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हाफ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल होता है उसका यहाँ पर हाफ होता है, तो अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर क्या होगा x बाई टू। तो यहाँ से फिर आप साइन x बाई टू का फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ये पूरा का पूरा टर्म इधर लेकर आ जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई टू इक्वल्स टू 1 ऐसे, ठीक है, ये cos x इधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x, और 2 अपॉन में ले जाओ तो साइन स्क्वायर x बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन में 2। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो साइन x बाई टू इक्वल्स टू किसके, अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन में 2। तो ये आपके पास साइन x बाई टू का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस cos x अपॉन 2 का रूट, और 1 प्लस cos x अपॉन 2 का रूट करोगे तो cos x बाई टू निकल जाएगा। और फिर tan x बाई टू आपको पता है निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि tan x बाई टू को आप किससे निकाल लिया करोगे, साइन x बाई टू अपॉन में क्या cos x बाई टू। तो ये दोनों क्वांटिटी पता चल जाएंगी, तो tan x बाई टू तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो देखो फिर से बिल्कुल आसान है, cos 2x का फॉर्मूला होता है ये, इसमें एंगल को हाफ से डिवाइड करा दो इधर भी और इधर भी, तो 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा cos x, तो क्या आ जाएगा इधर 2 cos square x by 2 minus 1। एंगल हाफ से डिवाइड करा दिया, एंगल को 2 से डिवाइड करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये 1 इधर लाकर प्लस करा दिया, 2 डिवाइड में आ गया, स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगा दिया, ये cos x by 2 का फॉर्मूला। इसी तरह से यहाँ पर cos 2x का हम ये फॉर्मूला जानते हैं, इसमें एंगल को 2 से डिवाइड कराएंगे तो जब दोनों साइड जहाँ जहाँ एक्स है जहाँ जहाँ एंगल है, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ x आएगा, यहाँ x बाई टू, ये टर्म इधर लाकर लिख दो, ये उधर ले जाकर लिख दो माइनस में, 2 डिवाइड में ले जाओ और यहाँ से स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगाओ, ये फॉर्मूला बन गया। फिर tan x बाई टू निकालने के लिए sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। तो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड अब जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें tan x निकालना है। tan x इक्वल टू हमें गिवन है कितना, माइनस का 4/3, ठीक है। अब sin x बाई टू cos x बाई टू और ये सब निकालने के लिए आपको पता है किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या है ये cos x, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और सिर्फ cos x की ज़रूरत पड़ेगी। अगर cos x आपको पता चल जाए तो sin x बाई टू और cos x बाई टू दोनों निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, देखिए tan x इक्वल्स टू है माइनस 4/3, वेयर x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। x कहाँ पर लाई कर रहा है, x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग प्यारे बच्चों ये है, लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ, पाई बाय टू से पाई के बीच में। अब लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो आंसर निकालने हैं वो किसके लिए निकालने हैं, x बाई टू के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से सबको क्या करा दो डिवाइड, x किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई से पाई बाई टू के बीच में, तो हमें तो x बाई टू चाहिए एंगल, तो x बाई टू कहाँ पर लाई करता होगा, तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड करा दिया सबसे, है ना। तो क्या बन जाएगा इधर पाई बाई फोर आ जाएगा x बाई टू, और इधर क्या चल रहा है पाई बाई टू। अब पाई बाई फोर से पाई बाई टू यानी 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब x बाई टू कहाँ पर लाई करता है, देयरफॉर x बाई टू लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फिर से देखिए क्वेश्चन में कहा है एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि अगर एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स बाई टू कहाँ पर लाई करता होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाई टू से पाई के बीच में। तो अब क्या करो, एक्स बाई टू चाहिए तो टू से डिवाइड करा दो सबको, है ना। तो यहाँ भी टू से डिवाइड, यहाँ भी टू से डिवाइड और पाई बाई टू भी टू से डिवाइड, तो ये कितना बन जाएगा पाई बाई फोर एक्स बाई टू पाई बाई टू। अब इसको पढ़ो तो x बाई टू किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री और 90 डिग्री, 45 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। 45 से 90 का मतलब बीच में क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी कि x बाई टू हमारा किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इफ x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट देन x बाई टू लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन x बाई टू कॉस x बाई टू टेन x बाई टू ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव आंसर रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए इसको, तो tan x हमारे पास है, tan x से सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, वी नो दैट secant स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला लगा दो तो इससे cos की वैल्यू निकल जाएगी, tan x हमारे पास कितना है, माइनस का 4 बाय 3 इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 16 अपॉन 9, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 25 अपॉन 9। इधर क्या चल रहा है, secant स्क्वायर x, अच्छा स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 अपॉन 9, कैसा प्लस का माइनस का, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस 5 बाय 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा sec x का। अब ये कौन x कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो sec x कैसा होगा, कौन सा आंसर लिया जाएगा इनमें से, नेगेटिव वाला, तो sec x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5 बाय 3, ठीक है। अगर sec x माइनस 5 बाय 3 है तो cos x कितना होता होगा, cos x इसका उल्टा होता है तो वो माइनस का 3 बाय 5 आएगा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, cos x की वैल्यू, ठीक है ना। अब cos x आ गया तो बाकी की सारी चीज़ें बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, cos x हमें पता है तो cos x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो cos x बाई टू निकल कर आ जाएगा, तो देखिए कैसे करेंगे, cos x बाई टू ये हम अब निकालना जानते हैं, कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस cos x और होल के नीचे अपॉन 2, ओके अंडर रूट 1 प्लस cos x, cos x का आंसर आपने निकाल कर दे दिया मुझे कितना, माइनस का 3 बाय 5, ठीक है। तो cos x की वैल्यू यहाँ पर रखो माइनस का 3 बाय 5 और इस होल के नीचे अपॉन 2, सॉल्व कर दीजिए, 1 माइनस 3 अपॉन 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 5 माइनस 3 कराएंगे तो कितना आएगा, 2 बाय 5 और 5 इंटू 2 कितना, 10 और 2 से ये कैंसिल करा दीजिए 1 बाय 5, तो आंसर बचेगा 1 बाय रूट 5, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा आंसर, इसमें जो है ये रूट में जो अब चल रहा होगा तो यहाँ पर आंसर प्लस माइनस में होता है, लेकिन क्योंकि ये साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू ये सब कहाँ पर लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इनके आंसर जो हैं वो पॉजिटिव ही दिए जाएंगे, ओके ना। तो इस तरह से करना है आपको, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस एक्स बाई टू की, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, साइन एक्स बाई टू की, साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला आपने मुझे क्या निकाल कर दिया, 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू। तो ये ध्यान रखना, जब यहाँ से स्क्वायर मैंने हटाया था, इधर रूट लगाया था, तो ये प्लस माइनस में चल रही होती हैं चीज़ें, लेकिन हमारा जैसा क्वाड्रेंट होता है x बाई टू के, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लस का प्लस ही ले लिया डायरेक्टली, वो इसलिए ले लिया क्योंकि x बाई टू जो था वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं, अब x बाई टू क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, साइन x बाई टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, तो अंडर रूट
वन माइनस कॉस एक्स का आंसर कितना आया है, माइनस का 3/5, ठीक है, अपॉन में 2 चल रहा है। इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, 1 माइनस माइनस प्लस 3/5 अपॉन 2, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, 5 और 3 8/5 या 5 × 2 = 10, ये कैंसिल आउट करा दीजिए, 4/5, तो ये बनेगा 2/√5 प्लस का, ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, sin x/2 का, ठीक है। और किसका चाहिए, tan x/2 का, तो tan x/2 का आंसर निकालने के लिए यहाँ पर लिखिए sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 कितना है, 2/√5, अच्छा cos x/2 कितना है, 1/√5, रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल, तो tan x/2 का आंसर कितना आ जाएगा, 2, ये हमारे पास tan x/2 आ गया। तो नंबर 1 कैलकुलेशन, नंबर 2 कैलकुलेशन, नंबर 3 कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इस वाले बोर्ड पर आप देख रहे हो कि cos x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाले जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने की हैं। वो क्या चीज़ है, पहली चीज़ तो ये पता करना कि x/2 कहाँ पर लाई कर रहा होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये पता करना कि cos x की वैल्यू क्या होगी। अब जैसा भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग आप cos x की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर tan x दे रखा था, तो मैंने सोचा कि पहले sec x निकाल लेता हूँ, जनरल आइडेंटिटी जो है उससे, और sec x के बाद मुझे cos x पता चल जाएगा, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई, तो पहले मैंने क्वाड्रेंट पता कर लिया, फिर इसके बाद cos x की वैल्यू पता कर ली। cos x की वैल्यू पता करने के बाद अब इसमें बस वैल्यू पुट करोगे आप, तो क्योंकि अब मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूले हैं sin x/2 cos x/2 के, तो डायरेक्ट आंसर निकलते चले जाएंगे। और इसके बाद अगर आप चाहो तो ये जो आंसर है आपके cos x/2 sin x/2, इनको भी आप थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हो, जैसे रूट फाइव से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन जाएगा रूट फाइव, और रूट फाइव इंटू रूट फाइव ये 5 है ना। इस तरह से भी आप चाहो तो आंसर दे सकते हो। इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पर भी रैशनलाइज करा दो, तो ये कितना बन जाएगा, 2√5/5। इस तरह भी आप अपने आंसर छोड़ सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपके पास सिमिलर क्वेश्चन आया, cos x = −1/3, ओके। तो देखो स्टेप फिक्स हैं, पहला तो ये पता करो कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर x यहाँ लाई कर रहा है, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप, cos x की वैल्यू निकालना, लेकिन इसमें तो डायरेक्टली दे रखी है, ठीक है, तो वो स्टेप हमें नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। और थर्ड है sin x/2 cos x/2 और tan x/2 के फॉर्म में पुट कर देना, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। अगर x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x/2 कहाँ लाई करता होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये 0, ये π/2, ये π और ये 3π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि x जो है वो π से 3π/2 के बीच में लाई करता है ना, यही तो मीनिंग हुआ इसका। अब हमें पता करना है x/2, तो इस सबको 2 से डिवाइड करा दो, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, और यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर 2 से डिवाइड कराओगे तो 2 × 2 = 4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो x/2 है वो 90 और 135 के बीच में लाई कर रहा है, और 90 से 135 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमने निकाल कर रख लिया। ये समझ आ गया आपको कैसे किया, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, यानी कि पाई से 3π/2 के बीच में रहा होगा वो। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कहाँ पर बन जाते हैं, पाई 90 से लेकर 135, π/2 से 3π/4, वो तो यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब x/2 कहाँ पर लाई कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसके बाद क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया, अब फिर नेक्स्ट होता है cos x की वैल्यू निकालना, लेकिन cos x पहले से दे रखा है, तो फिर नेक्स्ट होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करना। तो sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3 और अपॉन 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर दीजिए,
वन माइनस माइनस प्लस वन बाय थ्री अपॉन टू, और आगे सॉल्व करिए, थ्री बन जा थ्री प्लस वन फोर और थ्री इंटू टू सिक्स, तो इसको कैंसिल कर दीजिए टू बाय थ्री, तो ये कितना आ जाएगा रूट टू अपॉन रूट थ्री, ये आ जाएगा। इसको चाहो तो आप रैशनलाइज करके लिख दो, तो कितना बन जाएगा टू इंटू थ्री रूट सिक्स और अपॉन में ये कितना थ्री। अब x by 2 अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन x by 2 तो हमारा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए मैंने जब ये रूट वाला लिखा तो यहाँ प्लस माइनस होता है उसमें से प्लस वाला लिख लिया है, तो ये मेरा आंसर किस कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद मुझे निकालना है cos x by 2। cos x by 2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वन प्लस cos x अपॉन टू। अब बाहर प्लस माइनस होगा, अब x by 2 क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वहाँ पर cos x by 2 कैसा रहा होगा नेगेटिव, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर बाहर क्या लेकर चलोगे नेगेटिव। ये बात आ रही है समझ में आपको, ठीक है ना। अंडर रूट क्या आ गया, हमेशा प्लस माइनस होता है। अब वो डिसाइड करता है x by 2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड में, तो सेकेंड में तो sin x by 2 कैसा होगा पॉजिटिव, cos x by 2 कैसा होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लेकर चलोगे। तो 1 प्लस cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 बाय 3 और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 2, इसको आगे सॉल्व कर लो, तो ये 1 माइनस 1 बाय 3 अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लो, 3 बन जा 3 माइनस 2 2 बाय 6, तो cos x बाय 2 माइनस का कितना अंडर रूट में 2 बाय 6 या मैं कहूँ 1 बाय 3 या मैं कहूँ माइनस का 1 बाय रूट 3, और इसको भी अगर आप चाहो तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करा लो रूट 3 से, तो ये कितना बन जाएगा रूट 3 अपॉन 3, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी cos x बाय 2 की। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालना है tan x बाय 2, तो tan x बाय 2 क्या होता है sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। साइन एक्स बाई टू हमारे पास कितना आया था निकल कर, रूट सिक्स बाय थ्री, रूट सिक्स बाय थ्री, और कॉस एक्स बाई टू कितना निकल कर आया है माइनस का रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, थ्री से ये कट जाएगा टू टाइम, तो कितना आंसर बचेगा टेन एक्स बाई टू का, तो ये आ जाएगा माइनस का रूट टू। ठीक है ना, अब इसमें आप ध्यान रखिए कि मैंने साइन कंसीडरेशन पहले से ही किया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, तो टेन एक्स बाई टू वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होना चाहिए था नेगेटिव, अब क्योंकि मैंने साइन पहले से ही कंसीडर कर लिए थे, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव होगा तो मैं इस वाले क्वेश्चन में इसको कैसा लेकर चला प्लस और माइनस में से प्लस वाला, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स बाई टू कैसा होगा नेगेटिव, तो मैं प्लस और माइनस में से कौन सा लेकर चला माइनस, तो साइन कंसीडरेशन पहले ही कर लिए थे इसलिए टेन एक्स बाई टू का कंसीडरेशन अपने आप ही हो गया। ठीक है, वो कैसा रहा होगा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया आपका नाइन्थ क्वेश्चन। ठीक है ना, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर है टेन, इसमें भी आपको सेम काम करना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम तो ये करो कि अगर एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होगा पाई बाय टू से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर लिख लो पहले x लाई कर रहा है पाई बाय टू से पाई के बीच में, तो x बाय टू कहाँ लाई करता होगा, तो आंसर है दोनों साइड टू से डिवाइड करा दो, तो ये कितना बन जाएगा पाई बाय फोर और ये पाई बाय टू, पाई बाय फोर से पाई बाय टू, पाई बाय फोर से पाई बाय 45 से 90 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख लेना चाहिए देयरफॉर x बाय टू लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपको पता है ऑल आर पॉजिटिव आंसर आएगा, ऑल आर पॉजिटिव, तो ठीक है ये हमने पता कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉस एक्स की वैल्यू पता करना, तो साइन एक्स पता है कॉस एक्स कैसे पता चलेगा, तो आंसर है कि वी नो दैट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो वहीं से ये निकल कर आ जाएगी कॉस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो, वन माइनस
वन बाय सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन, रूट फिफ्टीन बाय फोर, ये इसका आंसर आ जाएगा। किसका? कॉस एक्स का। एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये अंडर रूट एक्चुअली प्लस माइनस में चल रहा होता है। अब प्लस माइनस में से यहाँ पर कौन सा साइन लिया जाएगा? माइनस का, ठीक है ना। पहले तो ये ऐसे चल रहा होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में था? फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos x कैसा रहा होगा? नेगेटिव, इस तरह से। तो ये cos x हो गया। अब cos x की वैल्यू पता है तो बाकी सारे आंसर पता किए जा सकते हैं, जैसे कि sin x बाय टू। sin x बाय टू क्या होगा? sin x बाय टू होगा वन वन माइनस cos x अपॉन में क्या? टू, ये हुआ करता है, है ना। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो अंडर रूट वन माइनस cos x की वैल्यू कितनी? माइनस का रूट फिफ्टीन अपॉन फोर और अपॉन टू, सॉल्व कर दो। वन प्लस रूट फिफ्टीन अपॉन फोर और अपॉन में टू चल रहा है, इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना आएगा? फोर प्लस रूट फिफ्टीन, फोर प्लस रूट फिफ्टीन और फोर टू जा एट, यहाँ एट आएगा। ये सब कुछ अंडर रूट में चल रहा होगा और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन एक्स बाई टू की, ठीक है ना। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन अभी फिलहाल मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। और साइन कंसिडरेशन आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी आंसर हैं साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए आंसर कैसे लेकर चल रहा हूँ? पॉजिटिव। यहाँ प्लस और माइनस दोनों होता है, उसमें से मैंने क्या लिखा हुआ है? प्लस, ठीक है। अब इसके बाद कॉस एक्स बाई टू की बात करिए। कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। तो वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस का अंडर रूट 15 बाय 4, तो ठीक है, यहाँ पर जब पुट करोगे तो माइनस का अंडर रूट 15 बाय 4 और होल के नीचे अपॉन में 2 चल रहा है। तो यहाँ से सॉल्व जब करोगे तो कॉस एक्स बाई टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8, 4 टू जा 8, ऐसा बन जाएगा। तो ये कॉस एक्स बाई टू का आंसर आ गया। साइन एक्स बाई टू ये आ गया किसका? कॉस एक्स बाई टू। इसके बाद निकाल लो टेन एक्स बाई टू का। टेन एक्स बाई टू का जब आप निकालोगे तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू करोगे, तो इसमें 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर ऊपर तो बचा होगा 4 प्लस रूट 15 और नीचे होगा 4 माइनस रूट 15। इसको अंदर ही हम रैशनलाइज करा सकते हैं, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं, जितने भी आंसर यहाँ पर बने हैं उन सबको रैशनलाइज करा कर भी आंसर दिया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने यहीं पर छोड़ा है इनको, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास सबसे पहला स्टेप, x बाई टू का क्वाड्रेंट पता करना। दूसरा स्टेप cos x की वैल्यू पता करना। तीसरा स्टेप इन फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाना। तो इस तरह से आपके sin x बाई टू, cos x बाई टू और tan x बाई टू निकला करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑन चैप्टर थर्ड, और यहाँ पर आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।